हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी हेयर स्टाइल और मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे लंबे वालों का राज। तो क्या आप जानना चाहते हैं मेरे लंबे वालों का राज? तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी स्टेप नंबर फर्स्ट। तो हम यहाँ पे अपने बालों को सुलझा कर सबसे पहले एक पफ बना लेंगे। पफ बनाने के बाद देखिए, अब मेरा पफ बन चुका है और इसे हम दो पिनों से बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि पफ हमेशा सिंपल अच्छा लगता है। और इसे हम अपने खुले लंबे बालों के साथ करते हैं, पफ बनाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो इससे हम पार्टी पर कहीं सिंपल पफ बना के अपने बालों को खुला करके जा सकते हैं। तो ये देखिए आप, मुझे कितना स्टाइलिश लग रहा है। ये सिर्फ सिंपल पफ से हम अपने बालों को आगे कर सकते हैं या फिर आप पीछे क्लेचर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये मेरा लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी स्टेप नंबर टू। तो अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेप नंबर टू। तो यहाँ पर मैं स्टेप नंबर टू में अपने साइड से मांग निकाल कर और अपने बालों को अच्छे से पीछे करूँगी और सामने के बालों को पीछे साइड में करूँगी दो चार बार। तो ये देखिए जो हमारे सामने के बाल हैं, ये तो कुछ ऊपर पफ जैसे दिखेंगे हल्के से। बाकी मेरे यहाँ पर मैं सिंपल इसने ऐसे ही छोड़ दूँगी और कुछ बाल सामने रखकर स्टेप नंबर टू कम्प्लीट। यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री हम चालू करते हैं, जिसके लिए हम साइड से मांग निकाल के कुछ छोटे छोटे पॉइंट में बाल लेंगे अपने, जिसको हम राउंड राउंड गोल करेंगे और गोल करके पीछे एक सिक्योर कर लेंगे पिन से। तो ये देखिए हम यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं, फिर सेकंड हम फिर से दूसरा पॉइंट लेंगे और यहाँ पर इसे भी हम इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे पीछे से। पीछे से राउंड करना है, आगे से सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ पर हम दूसरी क्लिप लगा लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने सेकेंड क्लिप लगा ली है। अब यहाँ पर मैं बाकी बालों को ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो आप ये देखिए, सिंपल मैं मेरी साइड से बस इस तरीके से मैं सामने से बाल ऐसे कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके से लग रही है। स्टेप नंबर फोर हम चालू करेंगे। तो स्टेप नंबर फोर में देखिए, हम इस तरीके से उसी स्टेप में अपनी साइड से बाल लेकर आगे के बालों को क्लिप कर लेंगे। साइड से हमारी वैसी ही रहेगी और आगे से हम इसको यहाँ पर भी पिन लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आप चाहें तो एक साइड में जूड़ा पिन भी लगा सकते हैं, बहुत सारी नग वाली स्टोन वाली क्लिप आती हैं तो आप वो लगा लीजिए। तो ये देखिए हमारी लुक कितनी प्यारी लग रहा है। स्टेप नंबर फाइव हम चालू करेंगे, जिस पर ये देखिए दो मिनट में हम इतनी फटाक से कंघी कर लेंगे अपनी। तो यहाँ पर हम सिंपल पॉइंट जैसे लेंगे, यहाँ पे थोड़े से बालों को लेंगे और हम इसे भी यहाँ पे रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे बाल बहुत लंबे हैं, इस वजह से बार बार फंसते हुए हैं। तो आप देखिए, अब हम इस तरीके से यहाँ पर दूसरे बाल के पॉइंट लेंगे और कुछ बाल ऐसे करके इसे भी राउंड राउंड मोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम अपनी एक क्लिप लगा लेंगे। आप चाहें तो ऐसा सारे बालों में कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे तीन स्टेप बनाऊंगी तो मैं यहाँ पर तीन स्टेप पे ही अपने बालों की हेयर स्टाइल पूरी कर लूँगी। तो ये देखिए आप, मेरी हेयर स्टाइल यहाँ पर मैंने एक और राउंड बनाया और यहाँ पे मैंने क्लिप लगा ली। अब ये देखिए फाइनली मेरा लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। इतने प्यारा ये साड़ी में हमें बहुत प्यारा लगता है ये स्टेप। तो आप ये देखिए, मैं क्लोज करके आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। स्टेप नंबर सिक्स हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सिंपली हम अपने बालों को थोड़ा सा पीछे लेकर, हल्के कुछ बाल पीछे लेकर हम दो क्लिपों से लगा लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर एक साइड से एक क्लिप लगा लेंगे, दूसरे साइड से, और आप चाहे तो एक दो और लगा सकते हैं, बाकी हम इतने सिंपल ही रहने देंगे। और आप ये देखिए हमारी क्लिप यहाँ पर लग गई और हम अपने बाकी बालों को ऐसे ही रहने देंगे। तो आप ये देखिए, ये सिंपली मैं ऐसे में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बिना पफ के। और आप चाहे तो यहाँ पर पीछे क्लेचर भी लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए, क्लेचर लगाने पर कुछ इस तरीके से लुक देखेगा हमारा। तो हम यहाँ पर अगर क्लेचर क्लिप या कोई भी आप जूड़ा पिन लगा सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारा लुक इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर हम अपने बालों को कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप नंबर सेवन चालू करते हैं और स्टेप नंबर सेवन में हम यहाँ पर सिंपल एक क्लेचर से को अपने बालों में पीछे फंसाएंगे। और ये देखिए सिंपल में हमारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ना हमने कोई पफ बनाया है और ना ही कोई क्लिप का यूज किया है। सिंपली हम यहाँ पे अपने एक क्लेचर से अपने सारे बाल को सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो कुछ बाल आगे रख सकते हैं या तो सारे बाल पीछे ही कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर अपने बालों को दोनों साइड से आगे करके राउंड कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली, मैं यहाँ पर इनसे सिंपल रहने देती हूँ, साइड में दोनों साइड से मैं हल्के हल्के बाल निकाल लेती हूँ, जैसे कि ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप प्लीज़, मेरी स्टेप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।